क्या चाहिए लगता है इसको सर? बच्ची के कोई शूज लेकर आए, हम जा रहे हैं बाहर। अभी मैंने आज सुबह से इन्हें कहा हुआ है, मैंने कहा घर पे हो ना, ले लो अपना बैग। मलाक का डालने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा चम्मच, सारे मसाले डाल दिए लास्ट में, बस अब बटर डालने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया। अच्छा, आप इसे एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैंने आटे को मिक्स कर लिया है। नाश्ता बन गया है, सबने नाश्ता कर लिया, बस ये रह गया, इन्होंने नहीं किया था। आ जाओ मलाक। हमने खा लिया तो अभी मैं पीने लगी हूँ चाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज ना करें, आमीन या रब। तो यहीं से अपने ब्लॉग का आगाज करते हैं, अपने दिन का आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। फिलहाल देखिए मैं पी रही हूँ चाय, थोड़ा सा मैंने नाश्ता किया, दिल नहीं कर रहा था ज़्यादा नाश्ता करने। और देखिए मलाक अभी तक कर रही है नाश्ता अपने पापा के साथ, तो अभी मैं सुकून से अपनी बैठ के चाय पीती हूँ। और कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया कि बहुत सावर थी मुझे, इस वजह से कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, आप सबने मिस किया। नहीं गिर जाएगी बच्ची, बस अब बैलून के साथ इन्होंने ये हाल किया। मलाक को दे दो, मलाक को दे दो। क्या चाहिए लगता है इसको? सारे बैलून जिसको चाहिए, बस इसलिए ये नाराज होके जा रही है। मलाक इधर आओ, ले आओ मेरी बच्ची को, नाराज हो गई आज। नहीं खेलना उसने, बस अब उसका मूड चेंज हो गया। मलाक आपने लगवानी है पोनी मेरी, मलाक को क्या खाया हुआ मेरे बच्चे ने? प्यारा बच्चा, मम्मा का शो ना बच्चा, आज मम्मा को हग तो कर दो। फिर बच्ची के कोई शूज लेकर आए, हम जा रहे हैं बाहर, जल्दी से शूज लेकर आओ मुस्तफा, बहना के शूज लेकर आओ, नहीं तो ये भाग जाएगी। जैसे हम इसको शूज का बोलते हैं ना, ये चुप करके सुकून से बैठ जाती है। चलो मलाको की एक पौड़ी जाते हैं, ठीक है? हाँ क्या हुआ? जल्दी से शूज लेकर आओ मुस्तफा, बहना के शूज लेकर आओ। चलो चलो, हो गया हो गया हो गया, मलाक की पौड़ी लग गई। आज मम्मा को हग तो करो, ये मुंह में नहीं डालनी, मुंह में नहीं डालनी। आज आज चलो मलाक वापस आ जाओ। मोना ये सबके लास्ट में जाती है, चलो चलो जल्दी आओ जल्दी। मलाक वापस आ गई है बाहर से घूम के, बच्चा आ गया वापस। आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ आ जाओ। पे लगे मेरे बच्चे को चोट, या अल्लाह यहाँ पे लग गई है, हाथ पे। कौन से हाथ पे लगी दिखाओ? अब्बू के पास आई हूँ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो अंदर, चलो चलो आ रही हूँ ना मैं। अभी घर की सफाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कब से मैं लगी हुई थी घर साफ करने में। और मलाक तब से इसने मुझे इतना तंग किया, इतना रोई है ना कि मैं बता नहीं सकती। और अभी ना जैसे मैं फ्री हुई हूँ तो यहाँ पर हमने लिए थे लॉक कुछ टाइम पहले, तो मैंने ये निकाल के रख दिए। हस्बैंड भी बच्चों को छोड़कर भी वापस आ गए हैं, तो मैं इनको कह रही हूँ कि ये लॉक मुझे लगा दें। जब से हम इस घर में आए हैं तकरीबन कोई दो दो तीन तीन लॉक जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिर खराब हो जाते हैं। अभी मैंने इन्हें कहा कि उठ के ना, ये तो मुझे खैर चेंज कर दें। अभी काफी सारी चीजें जो घर की, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, इधर दे दो मम्मा को, दे दो, चलो दे दो ना मम्मा को। काफ़ी सारी चीज़ें जो बनाते हैं फिर ख़राब हो जाती हैं, बनाते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर आई हूँ रेस्ट करने के लिए। लेकिन बिल्कुल सूरज गरूब होने को आ गया नहीं बल्कि हो गया है, नज़र ही नहीं आ रहा, बस हल्की हल्की सी लाइट नज़र आ रही है कि यहीं से सूरज गरूब हो रहा है। देखिए इस टाइम जो है ना मैंने अपना काम ख़त्म किया है, घर की पूरे घर की सफाई और किचन भी साफ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वाना बनाने के बाद इतना टाइम लग गया था ना साफ करते करते, शायद देखने में से पता चलता होगा कि जल्दी जल्दी हम साफ कर लेते हैं, लेकिन जब साफ करते हैं तब पता चलता है, ऐसा लगता है कि काम पूरा हो गया। खैर भी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पे, बस रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि आज खाने में मैंने क्या बनाना, सोच मैं कुछ ऐसा लेती हूँ कुछ अच्छा सा बनाऊँ। और ये देखें इसको, आपने लॉक चेंज करना है, उठ जाए ये कर दे मुझे चेंज, क्योंकि वैसे अब ये घर होते नहीं है, ज्यादातर फार्म पे बिजी होते हैं, काम आजकल वहाँ पर चल रहा है, तो इस वजह से अभी मैंने आज सुबह से इन्हें कहा हुआ है, मैंने कहा अगर घर पे हो ना तो मुझे ये लाजिम आपने लगा के देने। पर्दा जो मलाक ने गिराया था उस पर्दे का भी मैं कह रही हूँ, मैंने कहा वो मुझे दोबारा से लगा दे। हाँ क्या हुआ ये हरकतें देखो आप अपनी, मलाक इधर देखो टीथ दिखाओ अपने, मलाको टीथ तो दिखाओ। ये ले लो अपना बैग, ये मलाक का बैग है, ले लो चलो पहन के दिखाओ कैसे पहनते हैं इसको, बस ऐसे खड़ी हो जाओ शाबाश, सिद्ध की ऐसे पहनते हैं,
मलाक ने बैग ऐसे पहना है, ऐसे उतार भी लेते हैं। मलाक दिखा रही है सबको कि ऐसे पहनते ऐसे उतार लेते हैं। मलाक दो पापा को दो, चेंज करके दे मुंह में, उठ जाओ दे दो, उठ जाओ काम करवा लो, शाबाश उठ जाओ, ये पकड़ो, ये भी आपका है ना। चलो ये लो ये लो ये लो, इतनी मेहनत मत करो मम्मा है ना, ये लो, चलो हग करो इसको, मलाक इसको हग करो, मलाको हग करो इसको, हग करो जोर से हग करो इसको, किसी करो इसको, किसी करो। हम बच्चों को लेने जा रहे हैं और बच्चों का टाइम हो गया, हस्बैंड वैसे अभी अभी फार्म से आए हैं लेकिन वो काफ़ी थके हुए थे, वो सोए हैं तो मलाक तो उनके साथ सो गई है। फिर मैंने कहा चलें ठीक है मैं जाके ले आती हूँ, और चाचू भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। टीचर को कॉल करूं कि आप क्या आइसक्रीम भूल गई है जी। अब बैठो बस, कोई बात नहीं, टीचर खा लेगी आपकी आइसक्रीम। चलो बैठो, चलें अभी मुस्तफा को भी हमने ले लिया, बस चलें जी। बच्चों को लेकर हम आ गए अभी चाचा और चाची के घर, चाचू भी आ गए यहीं पर हमारे साथ, चाचू को शायद कोई काम है और हम थोड़ा चाचू से मिलने के लिए आ गए हैं। और हानिया बहुत खुश है दादी से मिलने के लिए आ गई है। चाची अभी सबके लिए चाय बनाकर लेकर आए हैं, चाय के साथ यहाँ पर पिज्जा है, और ये देखिए अभी मेरे लिए टैबलेट भी लेकर आ गए हैं। क्या करना है यहीं पे रहना है आपने और यहाँ पर ये देखें चाची के प्लांट्स, जब भी मैं आकर देखती हूँ ना मेरा इतना दिल खुश हो जाता है। अभी हम जाने लगे हैं घर, और जब भी मैं चाचा और चाची के घर आती हूँ पौधे देखती हूँ ना तो इतना मेरा दिल खुश हो जाता है, और उसी वक्त फिर मैं चाचू को कहती भी हूँ कि चाचू मैं कब आऊँ लेने के लिए ना। तो चाचू का माशाल्लाह वहाँ पर काम है ना मार्केट में, तो वहाँ पर प्लांट्स जहाँ पर होते हैं ना वहीं पर उनका काम होता है। चाचू हमेशा कहते हैं आ जाओ किसी दिन मैं वहाँ से ले दूँगा तुम्हें, और हमेशा मैं जाने का सोचती रहती हूँ कि हाँ जाऊँगी जाऊँगी, और जा नहीं पाती। फिर मुझे मेरा पुराना घर याद आता है कि मेरी बेल्कनी कैसे भरी होती थी पौधों से, टमाटर होते थे वहाँ पर, मिर्ची होती थी, इतनी इतनी चीज़ें होती थी। कभी कभी अपने पुराने ब्लॉग देखती हूँ ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं कहती हूँ कब यहाँ पर प्लांट्स रखूँगी, क्योंकि प्लांट्स भी ना एक अलग ही खुशी देते हैं इंसान को। मॉर्निंग में सुबह सुबह जब हम प्लांट्स देखते हैं, चाय पीते हैं, एक अलग ही सीन होता है। ये भी छोटा सा प्यारा सा है, देखो तो इस ढक्कन से क्या पानी पिएगा वो, ये देखिए इसे प्यास लगी हुई है। हाँ प्यास लगी हुई है उसको। मलाक मैंने कहा उठा के वापस रखो। मलाको ये क्या कर रही हो आप, गंदा बच्चा क्या कर रहे मम्मा का, ये देखिए बस यही करना है आपने, ये करना है, गिर जाओगी, चलो चलो गिर जाओगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आपकी जगह नहीं है, नहीं है ये आपकी जगह, आ जाओ चलो चलो चलो। बाल देखो अपने बाल कैसे बिखेरे हुए हैं सारे, चलो इधर ले करो अपना, आ जाओ शाबाश, हाँ जी दे दो मम्मा को दे दो, अच्छा। अभी हो गया है मेरा चाय टाइम, आज दिल कर रहा था रात में भी चाय पीने को, हवा इतनी ठंडी चल रही है ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ खड़ी होके ही चाय पीऊँ, और ये देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। मुस्तफ़ा ने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, और मैं ये देखने के लिए आई थी, उर्दू का है जी, हाँ लिखा हुआ ना उर्दू प्रोजेक्ट, ये किस चीज़ पे था, और ये मीनार पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की तंजीम, इस्लामी ममालिक की तंजीम, अच्छा मीनार पाकिस्तान है और दूसरा उसका झंडा इस्लामी ममालिक का। पहले बताऊं कि आप पहले मैं ना परेशान हो गया था कि मैं ना 10 मेंबर ना कर दिएंगे इसकी वजह से, फिर एक फिर आज ना बच्चे की ना बर्थडे थी, फिर सर का ना वो सर ने कहा कि आज मेरा ना मूड बहुत अच्छा है, फिर सर ने कहा चलो कल तक ना फाइनल डेट है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आज मुझसे बने तैयार कर दे और सुबह जाके दिखाएगा। आज खाने में मैं बनाने लगी हूँ बटर चिकन, यहाँ पर मैंने चिकन वॉश करके कट कर लिए। अच्छा बटर चिकन बनाने के लिए ना आप चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन वाले भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोन के साथ ही लिए क्योंकि इससे क्या होता है कि बोन के साथ जब आप पकाते हैं तो बहुत ज्यादा मजे की बनती है, इसलिए मैंने बोनलेस नहीं ली। यहाँ पर मैंने मसाले ले लिए हैं, बस अभी मसाले डालने लगी हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ले लिया मैंने एक चम्मच टाटरी, अच्छा अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त लेमन नहीं थे घर पे तो मैं इसमें टाटरी डाल रही हूँ खटाई के लिए। टाटरी के बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा चम्मच, चम्मच आप देख सकते हैं कि ये छोटा है, ये मैं डालने लगी हूँ अभी धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैंने ले लिया अभी ब्लैक पेपर, एक चम्मच हम यहाँ से ब्लैक पेपर का डालेंगे।
ब्लैक पेपर के बाद यहाँ पर है मेरे पास जीरा पाउडर, एक चम्मच यहाँ से हम जीरा पाउडर डालेंगे। चलें ये मसाले बच गए हैं तो इनको अभी मैं रख देती हूँ एक साइड पे, ये बाद में हमारे काम आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी डालने लगी हूँ हल्दी, हल्दी के बाद एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे। और यहाँ पर है हमारे पास कूटा हुआ अदरक और लहसुन। सारे मसाले डाल दिए, लास्ट में बस अब ये दही रह गई है, ये डालते हैं। सारी चीजें डाल दी, अब इसकी बारी आ गई मिक्स करने की। तो हम इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से उसके बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। चिकन को हमने रख दिया मैरिनेशन के लिए और यहाँ पर मैंने रख दिया फ्राई पैन, आप जला दिए इसकी। और यहाँ पर है हमारे पास बटर, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं बटर। बटर चिकन को जाहिर है सबसे पहले जाएगा इसमें मक्खन। बटर डालने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लौंग लिए, बड़ी इलायची लिए, जावित्री लिए और लिए थोड़ी सी दालचीनी। तो ये भी हम डाल देंगे बटर में। खड़े मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैंने उनको फ्राई किया और यहाँ पर मैंने लिए थे दो दरमियानी साइज के प्याज और इनको मैंने इस तरह से कट कर लिए जैसे चॉप करते हैं उस शेप में कट किए मैंने। तो ये भी हम डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा प्याज को फ्राई किया और यहाँ पर ले लिए मैंने काजू। प्याज के बाद हम काजू डाल देंगे। काजू डालने के बाद यहाँ पर मैंने दो दरमियाने साइज की टमाटर ली थी। टमाटर को भी बिल्कुल हमने वैसे ही कट किया जैसे हमने प्याज को कट किया था चॉप, क्योंकि जाहिर है इसको फिर हमने करना है ग्राइंड, चाहे बड़ा काटें या छोटा काटें इनको करना तो ग्राइंड ही है हमने। टमाटर डालने के बाद अभी मैं तकरीबन 3 से 4 अदर हरी मिर्ची डालने लगी। कुछ देर तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके ऊपर ढक्कन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डाल रही। इसको फिलहाल के लिए मैं कवर कर देती हूँ और देखती हूँ अगर ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो बस फिर इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। मसाला यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया, ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। तो अभी मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ और ये मसाला निकाल लेते हैं हम पैन से और इसको रख देते हैं कुछ देर ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा होगा फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए और दोबारा से मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है। अभी चिकन को फ्राई करने लगी हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम बटर। बटर डालने के बाद अभी मैं चिकन डालने लगी हूँ जिसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा था। अच्छा, आप इसे एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, आप इसे ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें बनाएं। इसी नॉर्मल पैन में ही मैंने दोबारा से डाल दिया क्योंकि मेरे पास ग्रिल पैन नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास एयर फ्राई अवेलेबल नहीं होता घर पे। तो मैंने सोचा मैं सिंपल पैन में ही बनाऊंगी इसको। तो फिलहाल देखिए मैंने पैन में बराबर करके इसको रख दिया क्योंकि इसने चिकन अपना पानी भी छोड़ना है, क्योंकि इसमें हमने दही डाली थी तो काफ़ी सारा जो है चिकन यहाँ पर अपना पानी छोड़ देगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक हमारी चिकन बनती है तो मैंने यहाँ पर देखें आटा ले लिया है। बटर चिकन के साथ आज मैं नान बनाने लगी हूँ। आटा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि जाहिर है हमारी फैमिली बड़ी है। अमीरा के 2 चम्मच मैं डालूंगी पूरे भरे भरे। यीस्ट डालने के बाद यहाँ पर ले लिया मैंने चीनी। चीनी के भी तकरीबन मैं कोई 3 चम्मच डालने लगी हूँ यहाँ से। ये ले लिया मैंने नमक। नमक तकरीबन हम कोई 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे नमक, इतना नमक डालना है हमने बस। पहले हम इन सबको कर लेते हैं मिक्स, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। चलिए ये मिक्स हो गया तो अभी मैं देख लेती हूँ चिकन को। ये देखें चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। अच्छा, बोन वाली मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनती है अगर हम बोन वाली लेते हैं तो। बोनलेस उतनी मज़े की नहीं बनती, आप अंदाज़ा कीजिएगा अगर आप बोनलेस और बोन वाली बनाते हैं तो इसके इसका जो डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा कि कितना मुख्तलिफ बनता है। मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है, फलक तक मेरा गला ठीक है, मेरी आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि चिकन को हमें तकरीबन को 80% पकाना है और बाकी मसाले में हम 20% बाद में बनाएंगे। ऑयल डालने के बाद मैंने आटे को मिक्स कर लिया, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। चलेंगे
आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसके ऊपर देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। इसको भी हम कवर कर देंगे। इस तरह से कवर करना है कि ये एयर टाइट हो जाए, इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाने। देखिए चिकन बनकर हमारी तैयार हो गई है। मैंने कोशिश की है कि इसका कलर जो है ना वो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ। और ये देखें इसमें जितना भी पानी था सारा खुश्क हो गया है और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा आ गया। ये देखिए चलें, जब मैंने यहाँ पर बड़ा पतीला ले लिया है फिर से उसमें मैं बटर डालने लगी हूँ। बटर डालने के बाद यहाँ पर छोटा चम्मच मैं एक हल्दी का डाल दूंगी। हल्दी डालने के बाद यहाँ से एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे। और अभी मैं डालने लगी हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे 2 चम्मच। मिर्ची डालने के बाद जल्दी जल्दी से हमने चम्मच को हिलाना है क्योंकि हमें इसको जलाना नहीं है। लेकिन जैसे ही बटर मेल्ट हुआ है ना तो चम्मच हमने हिलाना है, हिलाते ही रहना बल्कि, क्योंकि ये ऐसे मसाले हैं कि जल्दी जो है ना ये जल जाते हैं। जैसे ये थोड़े से फ्राई हुए और ये जो हमने मसाला ग्राइंड किया हुआ था ये अभी हम इसमें डाल देंगे फौरन से। यानी अभी हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे, ऐसे चम्मच हिलाते ही रहना हमें इसमें। और वैसे भी मैंने नॉन स्टिक पतीला लिया है, ज़्यादा इसमें वैसे कोई मसला है नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे। और अभी इसमें हम थोड़े से और मसाले डालेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। 2 चम्मच मैंने डाले हैं ज़ीरा पाउडर के। और 2 चम्मच मैं भी डालने लगी हूँ धनिया पाउडर। 2 चम्मच मैं भी डालने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर। चलें ये मसाला डालने के बाद अभी सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके ऊपर हमने दे दिया ढक्कन और तकरीबन हमने कोई 6 से 7 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है। चलें ये 10 मिनट हो गए हैं तो अभी हम मसाले को देख लेते हैं। अच्छा, इसी 10 मिनट के दौरान मैंने 2-3 बार देखा भी मसाले को कि कहीं जल ना जाए नीचे से। तो वैसे तो नॉन स्टिक था लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। और ये देखिए इस तरह से अभी हमारा मसाला बन गया और इसे बिल्कुल मैंने धीमी आँच पर पकाया है। और देखिए इसका कलर भी पहले से चेंज हो गया और मसाला बिल्कुल हमारा पक कर तैयार हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी मैंने लिया है 2 गिलास पानी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। पानी डालने के बाद ना अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ। अच्छा, मैंने नमक चिकन में भी डाला है तो इसमें बिल्कुल हम थोड़ा सा डालेंगे। और अगर बाद में पता चला कि हाँ अगर फीका है तो फिर बाद में हम डाल लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बस ये बराबर हो जाएगा। चलिए अभी इसके ऊपर दे देते हैं हम ढक्कन जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। और इसकी जो फ्लेम है वो हम मीडियम पे कर देते हैं। यहाँ पर देखें बॉयल आ चुका है और ये देखें इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। पानी डाला है लेकिन इसको हमने पकाया है तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट हमने पकाया। पकाने के बाद देखें ये ऐसे हो गए। तो अभी हमने क्या करना है, इसमें चिकन अभी हम डाल देंगे। चिकन के बारे में क्योंकि मैंने कहा था कि 80% हमने इसे पैन में पकाया तो 20% हम इसमें बनाएंगे। और 10 से 12 मिनट अभी हम चिकन को इसमें पकाएंगे। चिकन डालने के बाद अब क्या करना है कि हमने इसको कवर कर देना है, लेकिन इसकी जो फ्लेम है वो हमने मीडियम पे ही रखी है। 10 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए अब कितना ज़बरदस्त सा बन गया इसका कलर भी। अच्छा, हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया था 10 मिनट। यहाँ पर ले लिया मैंने कुकिंग क्रीम, ये डाल के तकरीबन आधा मिनट हम इसे और पकाएंगे। चलें जब क्रीम डालने के बाद हमने इसे आधा मिनट पकाना है और ये देखिए अब इसका कलर कैसे चेंज हो गया। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। और ये देखें यहाँ पर मैंने एक कोयला भी रख दिया है, हम इसको थोड़ा सा ढाबा स्टाइल टच भी देंगे। चलें अब फिर से दोबारा से मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिए, आधा मिनट हम और इसे पकाएंगे। आधा मिनट हो गया इसे और मैंने इसकी आग भी बंद कर दी है। हरा धनिया मैंने कट कर लिया तो वो भी मैं डालने लगी हूँ, लेकिन मैंने इसकी आग बंद कर दी है। मैं दोबारा से ढक्कन दे देती हूँ 1 मिनट के लिए। हरा धनिया डालने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। 1 मिनट हो चुका है और यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है कसूरी मेथी, इसे मैं हाथ ही मसल के डाल दूंगी थोड़ी सी। हरा धनिया भी हो गया, कसूरी मेथी भी हो गई। यहाँ पर मैंने फॉइल लिया है और इसमें मैंने कोयला रख दिया है एक साइड पे, हम यहाँ पे रख देंगे इसको ऐसे। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, ये देखिए इस तरीके से। और इसका ढक्कन हम कर देंगे बंद। इस जगह को भी हमने कवर कर दिया है ताकि धुआं बाहर ना निकले। ये देखिए अभी हमारा आटा बनकर तैयार हो गया इतनी देर में, जितनी देर में हमारी बटर चिकन बनकर तैयार हुई है। तो जल्दी जल्दी से अब इनको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डाल दिया है और इस पूरे आटे को हम निकाल लेते हैं अभी बाहर, क्योंकि अब बाउल में इसका कोई काम नहीं है। पर सारे मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं और अभी मैं रोटियां बनाना शुरू कर रही हूँ। चलेंगे जल्दी जल्दी से बनाते हैं हम। चलेंगे रोटी हमारी बन गई है इस साइज में हमें चाहिए थे। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं व्हाइट तिल
थोड़े से हम इसके ऊपर व्हाइट तिल लगाएंगे। अच्छा व्हाइट तिल हो गए यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा व्हाइट तिल के अलावा हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया। अब हमने डालना है इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा इस तरीके से, और बेलन की मदद से इस तरीके से हमने इसको कर देना है प्रेस। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इस रोटी को हमने देना है थोड़ी देर के लिए रेस्ट। प्लास्टिक रैप लिया हमने और इसके पेड़े जितने भी थे सबको हमने कवर कर दिया। इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर एक जो थिक वाली लेयर होती है ना वो ना आए और हमारे जो नान है ना वो सही बने एकदम से। चलेंगे ये देखिए माशाल्लाह हमारे नान इतने मज़े मज़े के, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत नान बन गए। एक बन गया, दूसरा भी बन गया और देखें तीसरा हम पैन में बना रहे हैं क्योंकि इनको हल्की आंच पर पकाना पड़ता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए एक तवे पे बना रहे हैं और एक पैन में, जल्दी जल्दी बन जाएंगे इस तरीके। चलें जी यहाँ पर देखिए मैंने बना लिए हैं प्याज, इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, नमक और लेमन, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने कहा कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है ना, तो मैंने कहा चलो बनने वाले जो बर्तन है ना वो निकालती हूँ, और सच में आज मुझे लग रहा है ना कि आज जो बटर चिकन मैंने बनाया ना बहुत मज़े की बनी है। मैंने नान भी रख दिए और ये हमारी ज़बरदस्त सी डिश बनकर तैयार हो गई है। फाइनली हमारा बनकर तैयार हो गया खाना इतनी मेहनत के बाद। हम बताएँ कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आ जाओ मनो, इस साइड से आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। बहुत अच्छी बनी है। पहला रिव्यू आ गया यहाँ से मेरे हस्बैंड की तरफ से, बहुत मज़े की बनी है। पहली बार ये कह रहे हैं कि बहुत मज़े की बनी। चलो ये लो, आ जाओ बना मना। बहुत अच्छा बना, बाकी सच में मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी रेस्टोरेंट का खाना मैंने घर पे बनाया ही नहीं है। तो इसी खुशी में ना मैं मोना को प्याज देती हूँ कि मोना ने मेरे खाने की तारीफ की। ठीक है, चलो प्याज के साथ खाओ। बाहर भी खाई थी ना कहीं पे, लेकिन वो अच्छी नहीं थी। प्याज के साथ खाओ और मज़े लगी। इसमें जब मैं घर पर बनाती ना तो फिर नहीं ऐसा लगता है कि घर का खाना ही अच्छा है, बाहर का अच्छा नहीं। हमने खा लिया अलहमदुल्ला, बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना था। सबने पेट भर के खाना खाया और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने ढेर सारे ब्लॉग में हमें याद रखें, और हमारा आज का ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।